मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट का फिजिक्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता ही है। अगर तुम एक नीट एस्पिरेंट हो और तुम्हें भी फिजिक्स में डर लगता है, तुम्हें भी लगता है कि शायद फिजिक्स के वजह से इस बार मेरा सिलेक्शन न रुक जाए, तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। हाई, आई एम सौविक फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आई हैव क्रैक नीट 2021 विद ऑल इंडिया रैंक 13,350 एंड मार्क 614। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब विद यू सम प्रोसेस हाउ टू इम्प्रूव योर मार्क्स इन फिजिक्स इन नीट मॉक टेस्ट। ठीक है, नीट में अगर तुम्हारे फिजिक्स में थोड़ा बहुत वीक पॉइंट लग रहा है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ा बहुत वीक पॉइंट तो सभी का कुछ ना कुछ सब्जेक्ट में होता है। देखो, अगर मेरा मेरा मान लो मेरा केमिस्ट्री में वीक लगता था, ठीक है, मुझे केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में डर लगता था, उसके बाद मैं इम्प्रूव किया, इस बार मेरा 140 आया। ठीक है, बहुत अच्छा मार्क्स नहीं है, लेकिन ठीक है, क्योंकि मेरा बायोलॉजी में थोड़ा बहुत अच्छा मार्क्स आ गया था, इसीलिए मैं देखा था। तुम्हें भी फिजिक्स में वीक लग रहा है तो इससे डरने की क्या जरूरत नहीं, डिप्रेस होने की जरूरत है। तुमको पहला क्या करना है, पहला करना है तुमको के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह की प्रॉब्लम। अगर तुम कोई प्रॉब्लम लेकर डॉक्टर के पास जाते हो, उससे बोलते हो कि सर मेरा बीमारी है, तो डॉक्टर तुम्हें क्या पूछते हैं, पहला क्या करना है, टेस्ट करता है किस टाइप की बीमारी है तुमको, कि ऐसा नहीं कि कुछ भी दवा, ऐसा तो नहीं होता ना। पहले तुमको आइडेंटिफाई करना है किस तरह की बीमारी है। 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, इम्प्रूव तो फिजिक्स में करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते। तो तुमको ये नहीं करना, तुमको करना क्या है, फिजिक्स को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं पॉइंट वाइज तुम्हारे साथ प्रॉब्लम शेयर करूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है, एंड प्रॉब्लम के बाद उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसको भी मैं उसके बाद पॉइंट वाइज शेयर करूंगा। ठीक है, देखो पॉइंट नंबर वन क्या है, पॉइंट नंबर वन है अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। अगर तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग में ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो क्या चल रहा है क्या। तो इससे तुमको क्या करना है, पहला पॉइंट तुमको कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान से सुनना पड़ेगा टीचर को। तो अगर देखो तुम किस जहाँ से भी पढ़ रहे हो, बहुत कोशिश करने के बाद भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रहे, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि वो टीचर टीचर के फ्रीक्वेंसी तुम्हारे साथ मैच नहीं कर रहे। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, तुम अभी तो ऑनलाइन चल रहा है सभी कुछ, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, फिजिक्स वाला आलोक पांडे जो चैनल है, उस पर आलोक सर ने जो वीडियो पहले से फ्री डाल रखा है, जब फिजिक्स वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं स्टार्ट हुआ था, शायद सिर्फ अकेला फिजिक्स पढ़ते, वो वीडियो तुम देख सकते हो। उसमें क्या होगा, उसमें तुमको फील मिलेगा कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सपोज तुम पढ़ रहे हो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, अलग से जब पढ़ाते हैं कि ऐसा नहीं पढ़ाते कि तुम उसे फॉर्मूला दे, ठीक है, तुमको जस्ट फील आएगा कि फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, रोटेशनल मोशन कैसे होता है, कैसे कोई चीज घूमता है, इसको तुम्हारा तुमको थोड़ा फील मिले, इसको तुमको ध्यान रखना। टीचर तुम चेंज कर सकते हो, चेंज नहीं करो तो तभी चलेगा, तो लेकिन तुम एक बार वो अलग सर के वीडियो देख सकते हो, इससे तुम्हारा फील मिलेगा, हो सकता है तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, और एक बात, अंडरस्टैंडिंग को ठीक करने के लिए तुमको क्या करना है, थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना है। थिंकिंग एबिलिटी क्या होता है कि सपोज तुम पढ़ रहे हो फिजिक्स, तुम अगर ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, तो ऑप्टिक्स में तुम सिर्फ फॉर्मूला नहीं देखना, ठीक है, जो 1/u + 1/v = 1/f ऐसे नहीं देखना, तो ऐसे आंख बंद करके इमेजिन करना है कि ऐसे रे आ रहा है, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्टर रे जा रहा है, ऐसे इमेज बन रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट है, तुमको ये फील कर रहा है, तभी तुम्हारा कुछ हो पाएगा। थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करो, मेडिटेशन करो, कुछ सपोज 2 आवर का लेक्चर है, तुमने 1 आवर लेक्चर देखा, उसके बाद क्या करो, लेक्चर को पॉज करो, पॉज करने के बाद आंखें बंद करके सोचो कि सर ने क्या क्या बताया है, ठीक है, तो उसको तुम सोचने के बाद तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, हाँ हाँ ऐसा होता है। तो उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, उसके बाद तुम समझो तुम एक टीचर हो, ठीक है, सपोज तुमने कुछ पढ़ लिया, उसके बाद तुम खुद को एक टीचर समझो, और समझो कि तुम्हारे सामने कोई स्टूडेंट बैठा है, तुमको उसको समझाना है वो टॉपिक, तो तुम तुम्हारे नोटबुक में उसको समझाओ, कैसे समझाओगे, तो जब तुम दूसरों को समझाने जाओगे ऐसे करोगे, तो तुम्हारा क्या होगा, जहां जहां तुम्हारा प्रॉब्लम है वो गलती तुम्हारे सामने आ जाएगी, क्योंकि तो तुम उसको समझ नहीं पाओगे। तो ऐसे तुम अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकते। नाउ कम टू पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू क्या है, पॉइंट नंबर टू है एक्यूरेसी प्रॉब्लम। अगर तुम अच्छे से समझ पा रहे हो, लेकिन क्वेश्चन भी बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में तुम्हारा एक्यूरेसी प्रॉब्लम है, ये बहुत छोटा प्रॉब्लम है, ठीक है, एक्यूरेसी हाँ बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी है। तो इससे तुमको क्या करना है, इससे छुटकारा पाने के लिए तुमको कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करना, और कुछ नहीं करना है, तुमको कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करना। तुम फिजिक्स क्वेश्चन करते समय ये सोचना ही सोचना कि फिजिक्स बहुत टफ है, ऐसे नहीं सोचना, तुमको ध्यान से करना है, स्पीड में करना है, लेकिन सिंसियर होकर करना है, जैसे तुम्हारा प्रॉब्लम ना है, क्योंकि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ठीक है, क्वेश्चन बन रहे हैं, सिर्फ एक्यूरेसी की वजह से तुम्हारा क्या होगा, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना तुमको, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर थ्री क्या है, पॉइंट नंबर थ्री है स्पीड प्रॉब्लम। अगर तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन भी बन रहा है,
लेकिन क्वेश्चन तुम्हारा बहुत स्लोली बन रहा है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन स्लोली बन रहा है, इसके मतलब तुम्हारा प्रैक्टिस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो प्रैक्टिस में कैसे प्रॉब्लम है, तुमको क्वेश्चन घर पे जब तुम प्रैक्टिस करोगे, तुमको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंक्रीज करना होगा, ठीक है। इसको एक दिन में इंप्रूव नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम एक दिन में इंप्रूव नहीं हो जाता। तुमको धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। पहले 3 मिनट 4 मिनट लगेगा, ठीक है, 3 to 4 मिनट। उसके बाद धीरे धीरे 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। प्रैक्टिस तुम डीसी पांडे से कर सकते हो, ठीक है। डीसी पांडे सर के जो बुक है, 2 बुक है, 11 का एक एंड 12 का एक, उसमें नीट के अकॉर्डिंग थ्योरी भी है, क्वेश्चन भी है, तो तुम कर सकते हो। पहले ही तुम एनसीईआरटी लेके नहीं बैठ, ठीक है। एनसीईआरटी उतना इंपॉर्टेंट नीट के लिए फिजिक्स के मुझे नहीं लगता, ठीक है। किसी को लगता है तो मुझे इस बात का पता नहीं, ठीक है। लेकिन तुम डीसी पांडे अगर अच्छे से कर ले तो ठीक है, हो जाएगा। अगर और देखो, तुमको क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन का लेवल का ध्यान रखना तुमको। ऐसा नहीं कि तुम नीट का तैयारी कर रहे हो और बैठ गए जेई एडवांस का पेपर लेके, तो तुमको तो स्पीड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा ही ना। तो तुम जेई एडवांस क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन ये मत सोचना कि नीट का क्वेश्चन जो लेवल है वो जो जितना स्पीड में कर पाओगे तो एडवांस का क्वेश्चन भी उतना स्पीड से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसको तुमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन जब स्पीड में इंप्रूव करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इंक्रीज करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। देखो इस प्रॉब्लम है, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ठीक है, ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ठीक है, तुम समझ पा रहे हो, मतलब तुम्हारा इनपुट है लेकिन कोई आउटपुट नहीं आ रहा। जैसे तुम सपोज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन समझा, लेकिन जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम क्वेश्चन में वो आउटपुट नहीं दे पा रहे। इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है, तो इसके लिए तुमको क्या करना है, इसके लिए तुमको सोचना है। इसमें भी तुमको वही अंडरस्टैंडिंग वाला जो प्रॉब्लम था, उसी तरह से तुमको थिंकिंग पावर जो है इंप्रूव करना है। तुमको ये नहीं कि बीच में गिव अप कर दे, क्वेश्चन को लेके संघर्ष करते रहो, ठीक है। फाइटिंग तुमको करना है, करते रहो, लड़ते रहो क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा तो सॉल्यूशन देख ले, ऐसा नहीं। एक क्वेश्चन को लेके 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक सोचते रहो। ऐसा करके तुम्हारे एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक, ठीक है, एक स्टूडेंट के एक बाबा के पास गया, एक साधु बाबा के पास गया। वो साधु बाबा ने वहां पर समुद्र था, समुद्र के पास एक बीच था। तो उस बीच में तुम जो स्टोन है, उस स्टोन में तुमको ढूंढना है एक स्टोन होगा जो नॉर्मल जो स्टोन है उससे ज्यादा हॉट होगा, ठीक है। तो उस स्टोन को अगर तुम तुम्हारे पास रखोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारा धन दौलत आ जाएगा। तो वो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो स्टूडेंट उस दिन से ढूंढना शुरू कर देते हैं कि स्टूडेंट किस स्टोन का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है। तो ये वो क्या करता है, एक एक स्टोन को लेता है, देखता है हाँ कोल्ड है तो फेंक देता है, लेता है देखता है कोल्ड है तो फेंक देता है। ऐसे एक दिन दो दिन एक महीना दो महीने बीत गया, वो फिर वही काम करते रहे। तो उसका क्या हैबिट हो गया, उसका हैबिट हो गया कि स्टोन लिया और फेंक दिया। एक दिन ऐसा आया कि उसके हाथ वो हॉट वाला स्टोन लग गया, लेकिन उसका तो हैबिट बन गया था ना कि स्टोन लिया और फेंक दिया। तो इसीलिए वो उस स्टोन को भी उसके पास नहीं रख पाया, वो भी उसको फेंक दिया। फेंकने के बाद उसको पता चला कि उन्होंने वो स्टोन को फेंक दिया। तो अगर तुमने क्वेश्चन देखने के बाद अगर थोड़ा बहुत एक दो मिनट देख लिया सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसके बाद अगर तुरंत बाद तुम सॉल्यूशन देख लोगे तो तुम्हारा क्या होगा, वो फेंकने वाला हैबिट आ जाएगा। तो तुमको ये नहीं करना कि लिया एक थोड़ी देर संघर्ष करो क्वेश्चन के साथ। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिया देखा नहीं हो रहा तो फेंक दिया, मतलब सॉल्यूशन देख लिया, ऐसा नहीं। मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन को लेके फेंक मत देना, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को सोचो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। कैसे होता है, अगर देखो तुम क्वेश्चन को लेकर घर में जब तुम प्रैक्टिस करोगे तब से ही तुम ऐसे फेंकना, क्वेश्चन को छोड़ना प्रैक्टिस कर लिया ना, तो तुम जब एग्जाम में बैठोगे एग्जाम में तुमको थका नहीं आएगा। एग्जाम में देखा क्वेश्चन ऐसा होता है, एग्जाम में भी तुमको जो घर में प्रैक्टिस करोगे ना ऐसा ही फीलिंग तुमको एग्जाम में आएगा। अगर तुम घर में संघर्ष करना छोड़ दिया तो एग्जाम में भी तुमको लगेगा कि यार ये तो टफ क्वेश्चन है, तुम उसको छोड़ दोगे। एग्जाम में भी तुमको दिमाग काम करना बंद कर देगा। दूर से देख के सब कुछ असर लगता है। सपोज तुम एक ड्राइविंग जो बाइक ड्राइविंग या कार ड्राइविंग का ट्यूटोरियल वीडियो देख के रास्ते में आके ड्राइव कर सकते हो, नहीं ना। तो ऐसा ही होता है फिजिक्स में भी। अगर तुम क्वेश्चन देखने के बाद क्या करते हो, सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन देखने के बाद तो सबको इजी लगता है, ऐसा ही हो ना। जो सॉल्यूशन देखना मतलब ट्यूटोरियल देख लिया यूट्यूब पे वीडियो देख के कोई क्या सर्जरी कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तुमको खुद करना है, खुद को प्रैक्टिस करना है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ
अरे बतुम, जो तुम्हारा जो गलतियां है, जो प्रॉब्लम है, उसको ऐसे बार्डन मत बनाओ। बार्डन बना के अगर दिमाग में रख लिया तो उस बार्डन के वेट से तुम नीचे दब जाओगे। ऐसा नहीं करो, तुम गलतियों को सीढ़ियों के स्टेप्स के तरह एक एक स्टेप रखते जाओ, ठीक है, समझे? तो उससे तुम चढ़ते जाओ ऊपर। ऐसा नहीं कि तुम बार्डन बना के सिर पे ऊपर रख लिया और तुम उससे दब गया अंदर में, ऐसा नहीं करना, ठीक है? तो तुम अगर घर में जब बैठ के प्रैक्टिस करने समय संघर्ष करना सीख लिया तो तुम्हारा कलम पेन चलाना प्रैक्टिस में आ गया, तो ये क्या होगा, तुम्हारा इनर्सिया में आ जाएगा, ठीक है, तुम्हारा ये माइंड स्टेट आ जाएगा, ठीक है। जब तुम एग्जाम में बैठोगे तब भी तुम्हारा क्या होगा, दिमाग ऐसा ही काम करेगा कि तुम पेन चलाना नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो इसको तुमको प्रैक्टिस करके तुम्हारा माइंड में सेट कर लेना है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि छोड़ मत देना, ऐसे फेंक मत देना क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, उसको लेकर सोचो, उसको लेकर रगड़ते रहो, ठीक है। जब अलग सर बोलते हैं ना, जब तक चमकेगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, ऐसा ही तुमको मतलब माइंड सेट बनाना है, ठीक है। तो ऐसे तुम कुछ कुछ प्रॉब्लम जो है उसको पहले आइडेंटिफाई करो, टेस्ट एनालिसिस करो। टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है वो मैं वीडियो में बता रखा है, टेस्ट एनालिसिस करो। टेस्ट एनालिसिस में देखो क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है तुमको, उसको उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूव करो, ठीक है। पहला काम तुमको क्या है, कैटेगोरी करना है, जो तुम्हारा जो जो गलतियाँ हो रहा है उसको कैटेगोराइज करके तुम डिवाइड करो, तो हाँ मेरे ये ऐसा तरह की गलती हो रही है, पहले तुमको डायग्नोज करना है ना, नहीं तो तुम ट्रीटमेंट कर, तो उसको ऐसा तरह करना है। उसके बाद देखो सभी का कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होता है, जैसे मैंने बोला मेरा केमिस्ट्री वीक था, किसी का बायोलॉजी वीक था, ऐसा होता है। तो तुमको इसको लेकर डिप्रेस मत हो जाना कि मेरा ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ठीक है। किसी सभी का कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होता है, लेकिन तुमको इम्प्रूव तुम खुद को ही करना है, हो जाएगा इम्प्रूव। इसको लेकर डिप्रेस मत हो, काम करते रहो, एक्शन में थिंक, सोचने से कुछ नहीं होता, ठीक है। थिंकिंग को तुम एक्शन में बदलो, जब तक तुम सोचते रहो तब तक कुछ नहीं होगा, तो काम करना शुरू कर दो, हो जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो मैं जो बताया उसको फॉलो करते रहो, कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।